नमस्कार अर्गस प्राइम टाइम को स्वागत करछु मु शक्ति बुलेटिन आगो को नबा पूर्व प्रथमे आसन देखिनबा कोन रहिछ वर्तमान रो हेडलाइंस टैक्स टेररिज्म उपरे रोक कटक रे आईटीएटी रो अत्याधुनिक कार्यालय आवासिक परिसर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करदातांक पई सहज हेबा सरकारी सुविधा बलांगीर में घर पलटिला श्मशान बंद घरे मृत्युर निद शोगले छह जन गोटे परिवार निश्चिन्ह हत्या सन्देह सुराग खोजुची साइंटिफिक टीम मुख्यमंत्री निर्वाचन मंडली रे मो सरकार गायब गंजाम सान सिकरपुर लोकों पर पक्का घर स्वप्न शोष मेटाऊ पोखरीर प्रदूषित पा सूर्य नईले गांव अंधार करुची राजुति राणी आखिरे लुह बापी पंडा और दैतारी पंडा विरोध में गर्जिले राणी कहले मंच कलाकार लड़बार मिलू हत्या धमक बालेश्वर विपर्य पर कांग्रेस क्यांप्रे कंपन सत उगाड़े सुर कहले दल में अंतर्घाती कार्य जोगु हारा कांग्रेस जवाब रखिले तारा सेपटे पराजयर पोस्टमार्टम बीजेपी कहला आगक द्विमुखी लड़े हत्या ना आत्महत्या आदित्य दास मृत्यु मामला को नहीं बढ़ला द्वंद्व क्राइमब्रांच कहला हत्यार प्रमाण ना सीबीआई तदंत दावी कले आदित्य वकिल मिसेस महारथी ना जूनियर महारथी पिपिली उपनिर्वाचन में किए फुक शंख मा पुओं को नहीं बीजेडी रे टर्नआउट ना पिपिली रे बीजेडी दुई फार एवं ब्रह्मपुर पुलिस पंजारे सुना चोर पुरुषोत्तमपुर सुनालुट घटनार पर्दाफाश दस चोर सह पांच ग्राहक गिरफ साढ़े छ केजी चोरी सुना जबत दोकानी कर्मचारी को हाथी लुट्र ब्लूप्रिंट रचिता मास्टरमाइंड एथर ओडिशा रे करदातांक पई सहज हेब सरकारी सुविधा आउ असहाय को न्याय देबा पई केन्द्रर बड़ पदक्षेप सामना को आसी कारण कटक रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करईटीएटी अत्याधुनिक कार्यालय असहाय लोकमानंकर टैक्स चोरी बा टैक्स टेररिज्म एवं एथिरु सेमानंकु किभली सुरक्षा दिया जाई पारिबो से दिगरे केन्द्र गुरुत्व दउथिबा कहिसंती प्रधानमंत्री बंद घरे छ मृतदेह एक संगरे निश्चिन्ह होइगला गोटिए परिवार कारण कौन खोजुची वर्तमान पुलिस सेपटे बलांगीर पाटनागर छह जन मृत्यु को नहीं चांचल्य खेली जा रक्त रंजित घर सुरा खोजुची तदंतकारी टीम घर पालटिला श्मशान गोटे रूम रे छह मृतदेह झरकारु देखा जाउथला सोइछंती समस्ते किंतु सेमाने घोड़ाई होइथिले मृत्युर कंबल बंद कोठरी रे सेमाने सब दिन पाई सोई जाइछंती मृतदेह पाखे रही डांगिया और फारसा एभली घटना को नहीं बलांगीर चांचल्य गोटे पर दुख दंत बापा माँ तीन पु और झीवन जीवन पटनागढ़ रो सौरपड़ार एक घर हो रक्त रंजित साइंटिफिक टीम पहुंची पुलिस भी छानबीन करसी छः जन अच्छा शार्प कटिंग वेपन इंजुरी अच्छे तो से विशेष जीवन कहीं इनक्वेस्ट भी हम तापर आज जना पड़ प्राइम बेसी मर्डर जना पड़ी तथा विल इन्वेस्टिगेट ऑल द एस्पेक्ट आम सब एंगल रू देखा और डिस्प्यूट थी मनी एंगल अच्छी जो भी थी आम सब एंगल रू जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी तो से एंगल करके आम सब चेक कर जब तो वर्तमान साइंटिफिक टीम स्पॉट रे अच्छा आम डॉस्कॉड भी पहुँचुची तो आउ काम चलती स्पॉट रे सब जिनसा मिसीज कर हाँ घटनास्थल को मन अध्ययन कर देखुची कौन है घटना यहाँ निश्चित भाव में कौन से मर्डर होने को तार कारण सब दिग्वर आम पुंगखानुपुख तदंत करुच्ची मुझे निजे ये रहीकि ये इन्वेस्टिगेशन को त्वरान्वित करुच्ची आउ साइंटिफिक टीम डकाई बड़ अफिसर को कहुची आमे अति शीघ्र देखुचु कौन हो मृतक हेले बुलु जानी और तांको परिवार दस वर्ष धरी गाँवें करुथिले महु कारबार मंगलवार राति रे मध्य परिवार रे गंडगोल होइथिला सकाळु घर कबाट न खोलिबारु पड़ोसीक संदेह होइथिला आ कबाट खोलिबा परे जहाँ देखिथिले ताकु सहजरे विश्वास करि पारि नथिले
କ'ଣ ହେଲେ ସବୁ ଦିନ ତ ମାନେ ମଦ ପାନ ଆଣିକିରି ପିଆ ପି କରସ ଲଡ଼ା କିଣିଲା କରସ ଦିନେ କଟା ଜାଣିବ କାଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ପୁରୁ 8 ବାଜେ ଖାଇକରି ଆମେ ଶୁଇସୁଁ ଆରୁ ମାନେ ତ 9-10 ବଜେ ଜକା ଯେ ମଦ ପାନ ପିଇବେ 11 ବାଜେ ଶୁଇସ ଆମେ ନି ଜାଣି ଆମେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଝମଲା ପାତି ନି ହୁଏ ତାଙ୍କ ଲଡ଼ା କିଣିଲା ସବୁ ହେଲେ କିଏ ହଉଥିଲା ଝଗଡ଼ା ହେବା ହଁ ତାଙ୍କ 6 ଗୁଡ଼ା ଡେଡ଼ ବଡ଼ିର ହେଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ଇଞ୍ଜୁରି କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ କହିପାରିବେ ଆଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସରୁ ଲାଗୁଛି ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର ନାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ତ ପଡ଼ିଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ସିଓର ନୁହଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ହିଁ କହିପାରିବେ ଏକାଥରେ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା ତେବେ କିଏ ମାରିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଆକ୍ରୋଶ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଶତ୍ରୁତା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନା ପାରିବାରିକ କଳହ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ସରକାର କାହିଁକି ପୋଖରୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ସାନ ଶିକରପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ଯାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ଲୋକେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଟି କବାଟ ଦେଖିବା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ପାଣିଠୁ ପଡ଼େ ଆମକୁ ହେଲେ ଅଭାବ ଆଉ ନାଇଁ ନ ତ ନାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ହେଉଛି ଏ ପାଣି କାଦରେ ବେଶୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ବିକାଶ ଯୋଉ କୋଷେ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ପାଶୁରୀ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନା ଏଠାକାର ରାସ୍ତାର ରୂପ ବଦଳିଛି ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ କାହିଁ ଆମ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କେ କେହି ବୁଝି ହେଉ ନାହିଁ ଭୋଟ ବି ସେ ଆଇଲେ ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିନା ଆମେ ଭୋଟ କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଥାନାରେ ଆମେ ଅଛୁ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦୁଃଖ କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗାଁରେ କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ ଜଳ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ରୋଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାପ ଜନ୍ତୁରେ ପଡ଼ି ରହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନ ଶିକରପୁର ଗାଁ ଯେଉଁଠି ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଏ ଘନ ଅନ୍ଧାର ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଚଳେ ଡିବିରିଆ ଲୁହ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ହେଲେ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁକୁ ଡରି ଘରର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଗାଁର 15 ପରିବାର ପାଇଁ ବିକାଶ ଯେମିତି ଏଠାରେ ବାଟବଣା ସବୁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲେ ଆଉ କିଛି କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲେ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ କାଦ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆଇତା ନାହିଁ 5 ବେଳୁ ତ କବାଟ ମଡ଼େଇ ରହିଲୁ ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ ପାଣିରେ ତ ଅସୁବିଧା ବନ୍ଧ ପାଣି ଗାଧୋଇଲୁ ବନ୍ଧ ପାଣି ଖାଇଲୁ ନାଇନରେ ତ ଅସୁବିଧା ଦୀପ ଜାଳିକରି ଘରେ ରହିଲୁ ଭାଲୁ ବାଘରେ ଏତା ସାପ ବେଙ୍ଗରେ ଘରେ ରହିଲୁ 5 ବେଳୁ ଘରେ ପଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିକରି ରହିଲୁ ଦୀପ ଜାଳିକରି ନାଇଁରେ ରୋଡ ବାଟ ତ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତ ପାଠପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଭୋଟ ଦେଲୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ ବାଟେ ତାଙ୍କେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଜିତିଗଲେ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକିରି କିଏ ପାଖକୁ ତଡ଼ ନାଗିଲେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସାନ ଶିକରପୁର ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ନହେଲେ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଓ କେମିତି ବିକାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାନ ଶିକରପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏମାନେ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଭୋଟ ପାଇଁ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ଗରିବମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ସାନ ଶିକରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଜୁଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆବାସ ଯୋଜନା ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି 7 ସପନ ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁ ଏବଂ ସାନ ଶିକରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ, ଯେଉଁଠି ଧନ୍ୟବାଦ ବିହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିହାରର ଜନତା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିହାର ଜନତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ସିଧା ଚିତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବିହାରବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବହୁମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ। ଭିକ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇ ବିଜୟ ପାଇଁ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିହାର ବିଜୟର, ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍କେତ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ରହି ଉପସ୍ଥିତ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पे आ गए हैं, जोरदार तालियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें मित्रों, जोरदार तालियों के द्वारा। नरेंद्र मोदी मोदी मोदी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, उनका भी तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पे आ चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, आप सभी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का माला पहना के उनका अभिनंदन करें। मैं तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं को और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं, जनता आज सुन रही है, उनको संबोधित करें माननीय जेपी नड्डा जी। कृपया ढोलक बंद करेंगे।
बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे भारत के गृह मंत्री सम्मानीय अमित भाई शाह जी, और हमारे भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्मानीय नितिन गडकरी जी, सम्मानित मंच, और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में, धन्यवाद कार्यक्रम में आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से, मैं इस कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से, जहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं जो उन्होंने अथक प्रयास देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया है, वह सच में देश को एक नई दृष्टि और दिशा देने वाला है। यह भी चुनाव जो कल संपन्न हुआ, यह चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था, यह चुनाव लद्दाख से लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक के उपचुनाव भी थे, ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट तक के भी उपचुनाव थे, और इन चुनाव में बिहार समेत जिस तरीके की जीत भारत की जनता ने और बिहार की जनता ने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण लोगों ने जो जन समर्थन दिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यह चुनाव कोविड के पश्चात, कोविड संक्रमण के पश्चात चुनाव था, हम सबके लिए भी बहुत दिक्कत की बात थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना से, संक्रमण से लड़ते लड़ते इस चुनाव में लोगों को साथ लेकर के चलना कितना कठिन होगा, और कोरोना संक्रमण के दृष्टि से इस चुनाव में जनता अपना कितना योगदान कर पाएगी, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। लेकिन बिहार की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो, गुजरात की जनता हो, मणिपुर की जनता हो, लद्दाख की जनता हो, तेलंगाना की जनता हो, या फिर कर्नाटक की जनता हो, सभी ने एक स्वर से कमल के निशान पर मोहर लगा करके आदरणीय मोदी जी के काम को उन्होंने मोहर लगाई है, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। मित्रों, यह कोरोना का संक्रमण इसने बड़े शक्तिशाली देश को भी, उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न खड़े किए। इस कोरोना के संक्रमण ने शक्तिशाली देश के भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को असहाय देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का 130 करोड़ के देश को जो नेतृत्व कोरोना के संक्रमण में मिला, और आपने जो टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाया, भारत की 130 करोड़ की जनता का बचाव किया गया, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, हमें ध्यान में है कि जिस दिन कोरोना संक्रमण के लिए लॉकडाउन लगा था,
उस दिन टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को तैयार किया और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरीज यहां देश में खड़ी है। उस समय एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था, हम बाहर से मंगवाते थे। आपने उद्यमियों को प्रेरणा दी, उनको खड़ा किया और आज भारत प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है। और देश में ही नहीं, दुनिया को अब ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत दे रहा है। उस समय हमारे पास एक वेंटिलेटर बनाने की ताकत नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने सबको प्रेरित करके 3 लाख वेंटिलेटर बना करके, भारतीय वेंटिलेटर, देश के लिए भी और बाहर के लिए भी व्यवस्था की है। 150 देशों को दवाई मुहैया कराई, पैरासीटामोल और HCQ, यानी हम सिर्फ भारत की जनता की मोदी जी ने चिंता नहीं की, दुनिया की लोगों की चिंता की गई। कोरोना की अवस्था में यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से अगर हम जल कल्याण नीतियों को देखें तो जो आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया, ये छोटी घटना नहीं है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी और WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक विषयों के भी निराकरण किया है और लोगों को उसमें अपने साथ शामिल करके उनके बचाव का काम किया। ये गरीब कल्याण पैकेज 1,70,00,000 का, 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं या 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई ताकि उनका चूल्हा जल सके। 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया गया ताकि उनका चूल्हा जल सके। 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा सीधा 500-500 रुपए पहुंचाकर उनके खाने की, चूल्हे की व्यवस्था हो सके, इस काम को किया गया। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का रूप देखा, आत्मनिर्भर बिहार, और बिहार की जनता ने मोदी जी के इस काम के लिए मोहर लगाई, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सीमांचल से लेकर के मखाने का उद्योग से लेकर और पशुपालन का विषय लेकर के और मत्स्य पालन का विषय को लेकर जो आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है उस पर भी बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उसी तरीके से पहली बार मोदी जी ने एक बिहार की जनता के सामने जो वायदा किया था 3 साल पहले कि हम 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज देंगे, और हम सबको ध्यान में होगा कि मोदी जी ने पाई पाई का हिसाब दिया 1,25,00,000 और उसके बाद। तो आप देखुले बीजेपी नुआदिल्ली स्थित बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय सीधा प्रसारण, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन करुले कार्यक्रम हो धन्यवाद बिहार। बिहार निर्वाचन रे एनडीए विजय पर बिहारवासी को धन्यवाद जनवाई यह कार्यक्रम आ कि समय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधन करेंगे, तार संबोधन सीधा प्रसारण आपण देखाइबू, किंतु वर्तमान समय हो बुलेटिन को ये रखा। नमस्कार।